हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजू रतुड़ी और आज फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ एक सॉफ्टवेयर जिससे आपकी बुक्स बोलने लगेगी। उसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन में एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके किसी बुक की पिक्चर आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर क्लिक करने में फ्रेंड्स में आपको मान लो किसी आपने एनिमल या फिर कोई एप्पल की ही फोटो खींची है और फ्रेंड्स में आप उसमें आप इसका माउथ बनाएंगे तो वो एप्पल पे अपनी आप वॉइस डाल के वो एप्पल ऐसा लगेगा जैसे वो बोल रहा है। तो फ्रेंड ये कैसे करेंगे फ्रेंड, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और ये कैसे इंस्टॉल करते हैं पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मोबाइल में चलने से पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। तो फ्रेंड चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन में आ गया हूँ फ्रेंड्स और इसमें मैं प्ले स्टोर से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दिखाता हूँ जिससे आप बुक में आप साउंड डाल सकते हैं और उसका माउथ बना के वो बुक बोलने लग जाएगी। तो फ्रेंड कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ और इसमें ये सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा, चैटरपिक्स किड्स बाय डक डक मूज। तो फ्रेंड ये सॉफ्टवेयर मैंने डाला है और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप डाल सकते हैं। और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, फ्रेंड देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और इसमें आप देखिए टेक फोटो और गैलरी का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट फोटो भी ले सकते हैं। और जैसे मैं गैलरी में जा रहा हूँ तो मैं गैलरी में जाके कोई पिक्चर यहाँ से उठा भी सकता हूँ और आपको किसी बुक की पिक्चर खींचकर आपको उसमें साउंड डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैं गैलरी में से जाके इसमें आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स अब देखिए नीचे फ्रेंड्स इसमें कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, आप कैमरे में क्लिक करके फोटो भी यहाँ से खींच सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसमें गैलरी में जाके फ्रेंड मैंने अब गैलरी जाता हूँ और फ्रेंड यहाँ से देखिए मैं कोई एक पिक्चर उठा लेता हूँ, ये एप्पल की पिक्चर मैंने यहाँ से उठा ली है और इसकी मैं फ्रेंड मैं आपको साउंड डाल के दिखाऊंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसमें और अब क्या करना है फ्रेंड आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है और जैसे नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड यहाँ पर आपको एप्पल के ऊपर आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए खींचेंगे तो ये इसका माउथ बन जाएगा जितना बड़ी आप इसमें क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ उसको, अब इतना बड़ा इसका माउथ बन जाएगा और मैं यहाँ से रिकॉर्ड करूँगा तो अब मुझे इसके आगे बोलना है तो ये यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ और इसमें बोलता हूँ रिकॉर्ड इन 3 2 1 गो एप्पल APPLE। तो फ्रेंड देखिए ये इसमें रिकॉर्ड हो गया है, जैसे मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ इसको एप्पल APPLE। तो फ्रेंड देखिए ऐसे इसमें आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड आप इसमें आपको कुछ स्टिकर लगाने तो फ्रेम लगाने तो ये सब इसमें यहाँ पर है। तो यहाँ से आप फ्रेम स्टिकर्स या कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कैट उठा लेता हूँ और इसको मैं मुझे बुलवाना है तो मैं जैसे इसमें नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको जहाँ पर माउथ बनाना है वहाँ पर मैं इसमें ऐसे क्लिक कर दूँगा, यहाँ इसके ऐसे माउथ बन जाएगा और मैं यहाँ से उसको जैसे छोड़ता हूँ और ये जैसे मैं बोलूँगा रिकॉर्ड इन 3 2 1 गो कैट CAT कैट कैट। फ्रेंड देखिए ये इसमें जो मैंने बोला है ये इसमें रिकॉर्ड हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कैट ही बोल रही है ये। और फ्रेंड इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और जैसे नेक्स्ट करता हूँ फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ लगाना है तो यहाँ से आप इमेज से यहाँ से आप कुछ भी लगा सकते हैं और मैं यहाँ से जैसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड आपको उसको सेव करना है तो फ्रेंड आप यहाँ से जो नीचे आपका सेव का बटन है उसमें आप एक्सपोर्ट करके यहाँ से आप इसको देखिए ये आपने क्लिक किया तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो गया है और ये सेव हो रही है फाइल। तो फ्रेंड ये ऐसे आप बहुत आसानी से अपनी वीडियोज़ को आप एक एक करके सेव कर सकते हैं और बाद में इसको मर्ज करके एक अच्छी सी एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें बुक्स में ABCD में आप साउंड डाल के ABCD पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आज मुझे आपको यही बताना था कि कैसे आप बुक्स में साउंड डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।